और न्यूज पल पल की खबर। न्यूज कवरेज के दौरान पत्रकार पर हमला, जांजगीर के ग्राम कीकरदा का मामला। प्रदेश में पत्रकारों के खिलाफ होने वाली घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रहे। राजनांदगांव के बाद अब जांजगीर जिले में भी एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे पत्रकारों की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। कीकरदा के सरकारी स्कूल में शिक्षक के गैर मौजूदगी की खबर कवरेज के दौरान उस पर न केवल हमला किया गया बल्कि धक्का मुक्की कर शाला से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बताया जा रहा है कि शिक्षक कभी समय पर स्कूल नहीं आते जिससे पढ़ाई प्रभावित होती है। इस शिकायत पर पत्रकार स्कूल पहुंचा हुआ था लेकिन स्कूल स्टाफ ने बदसलूकी की। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। जी, मैं रौनक सर, आप अध्यक्ष छत्तीसगढ़ वेलफेयर यूनियन बम्बिली से 6/3/2021 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कीकरदा में न्यूज कवरेज करने गए सतानंद जायसवाल के साथ शिक्षक राजेश मनहर व दिनेश वर्मन द्वारा धक्का मुक्की किया गया व उनके मोबाइल को छीना झपटी किया गया है, जिसका वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उनके द्वारा एक पत्रकार साथी के साथ किस तरह व्यवहार किया जा रहा है। अभी परसों की घटना है, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के अनुपस्थिति को लेकर जानकारी मिली थी, जिस पर हमारे पत्रकार साथी सतानंद जी जायसवाल जाकर के वहाँ निरीक्षण करने के लिए, जानकारी एकत्रित करने के लिए पहुँचे हुए थे। वहाँ पर छात्राएँ उपस्थिति पंजी में बच्चों का नाम दर्ज कर रही थी, जिस पर उन्होंने वीडियो दर्ज किया। इस बीच शिक्षक अचानक पहुँचे और उसके साथ दिनेश बर्वन जो कि बाहरी व्यक्ति था वो भी आकर के वीडियो बनाते हुए और शिक्षक राजेश मनहर जो है सदानंद जायसवाल जी के साथ धक्का मुक्की करते हुए उनके मोबाइल को छीनने का प्रयास किया। इसकी शिकायत हम आज बिरला थाना में आदरणीय थाना प्रभारी श्री खांड सर के पास आए हैं। और ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24।